पहले राज्य की माता और फिर उसकी रानी मानी जाने वाली होलकर साम्राज्य की देवी अहिल्याबाई ने सिंगल हैंडेडली भारतीय सभ्यता को पुनर्जीवित किया। वुमेन्स डे की इस सीरीज में आइए उनकी कहानी जानते हैं। बचपन से अपने इंटेलिजेंस के बारे में जानी जाने वाली अहिल्या शास्त्र शस्त्र फाइनेंस और राजनीति में वेल एजुकेटेड थी। फेसिंग प्रोफाउंड पर्सनल ट्रेजेडी अपने बच्चों और पति की मृत्यु के अपार दुख के बावजूद अहिल्याबाई कभी अपने ड्यूटी से पीछे नहीं हटी। अपने कुशल फाइनेंशियल मैनेजमेंट से उन्होंने अपने राज्य का रेवेन्यू 33% बढ़ाया। एक आश्चर्यजनक अचीवमेंट ऐसे समय में जब भारत के कई राज्य युद्ध से नुकसान उठा रहे थे। उनकी प्रतिभा इस बात से देखी जा सकती है कि उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा और समृद्धि युद्ध से नहीं बल्कि कूटनीति यानी डिप्लोमेसी से हासिल की। धर्म के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने संतों के समान जीवन बिताया और पूरे भारत में मंदिर धर्मशाला घाट स्कूल और मठों को सपोर्ट किया। उन्होंने कई प्राचीन मंदिरों का पुनर्निर्माण भी किया जो इस्लामिक आइकोनोक्लाज्म यानी बर्बरता के कारण तोड़े गए थे, जिनमें 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम और 7 पुरी भी शामिल थे। ये था पार्ट 2 जहाँ न केवल अपने सिविलाइजेशनल जील और सादगी बल्कि अपनी शक्ति और ताकत के लिए भी जानी जाने वाली देवी अहिल्याबाई एक ट्रू फेमिनिस्ट आइकन की तरह उभरती हैं। आपने इनके लाइफ से क्या सीखा कमेंट्स में जरूर बताइए एंड फॉलो पार्ट 3 एक ऐसी कहानी के लिए जो बिल्कुल एक बॉलीवुड मूवी की तरह थी।